नमस्कार, मैं एनपी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी ठाकुर। पिछले 5 माह से वेतन के लिए भटक रहे नव नियुक्त शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय पर जमकर हंगामा काटा। वही प्रभारी बीएसए जेपी पाल ने पुलिस को सूचना दी और बीएसए के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौबे की रिपोर्ट। जिले में सितंबर 2018 से 506 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इन शिक्षकों को 5 माह से कोई वेतन नहीं मिल रहा है। कहीं शिक्षक इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं तो कोई उनकी जेब से एडीएम भी बनवाना पड़ रहा है। बुधवार को आक्रोशित शिक्षक बीएसए ऑफिस पहुंचे, जहां कार्यालय पर उन्होंने वेतन की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही बीएसए जेपी पाल ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस बल बीएसए कार्यालय पहुंच गया। हंगामा कर रहे शिक्षकों को पीछे हटाया तो शिक्षक बीएसए कार्यालय के सामने ही धरने पर बैठ गए। प्राथमिक शिक्षा संघ के जिला अध्यक्ष राजीव यादव, जिला संरक्षक सत्यवीर सिंह को सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंच गए। उन्होंने प्रभारी बीएसए जेपी पाल को धरना स्थल पर बुलाया। प्रभारी बीएसए ने कहा कि वह फरवरी का वेतन उन्हें मार्च में होली से पहले दिला दिया जाएगा। धरना में रजत कुमार, उमा देवी, राम सिंह, तृप्ति जैन सहित आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनप्री। बैठे हो किस वजह से, पूरी क्यों बैठे हो? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 68,500 शिक्षक भर्ती कराई थी। उनकी महत्वाकांक्षी योजना थी, उनमें हमें 7 सितंबर को उन्होंने नियुक्ति पत्र दिलवाया था। यहाँ से हमें 7 सितंबर को हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया था विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय। अब हुआ ये कि हमारे सचिव महोदया का आदेश आया कि आप ऑफलाइन सत्यापन करिए, उस आधार पर वेतन लगाइए यहाँ पर। और जब उन्होंने देखा कि 5 माह में केवल 5,000 लोगों का, 41,556 नियुक्त हुए, उसमें 5,000 लोगों का सत्यापन हुआ ऑफलाइन के माध्यम से, तो उन्होंने इसको अमेंडमेंट किया। इसमें उन्होंने एक नया आदेश भेजा 28 तारीख को, उसमें ये लिखा है कि आप इनका ऑनलाइन सत्यापन के आधार पर वेतन निर्गत करिए। और अगर वो भी ना हो पाए, मतलब 5 हमारे सत्यापन होने, 10th, 12th, BTC, TET और ये हमारा जो ग्रेजुएशन स्नातक का, अब स्नातक में विश्वविद्यालय सत्यापन जाते हैं तो वहाँ बहुत दिक्कत होती है। तो स्नातक के लिए हमारी सचिव महोदया ने साफ कह रखा है कि आप इनसे एफिडेविट ले लीजिए और आगे चल के इनका सत्यापन हो जाएगा, उस तब आप इनका एरियर का भुगतान कर दीजिए। अब हमारे यहाँ पे महोदय, बीएसए महोदय कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लिपिक बैठते हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता कि किस हिसाब से बिहेव करते हैं। उनका ग्रेड पे, हमारा ग्रेड पे में बहुत डिफरेंस है। मतलब हम लोग किस लेवल के हैं, वो किस लेवल के हैं, हमसे बात करना नहीं पसंद कर रहे हैं। एक भी हमारा अभी आदेश नहीं हुआ है, यहाँ से कुछ भी नहीं होने की उम्मीद है। अभी हम लोगों को लग रहा है कि हमारा समर वेकेशन के बाद शायद ये सब प्रोसेस जाएगी। तो हम लोगों को बहुत भयंकर, मतलब आर्थिक तंगी महसूस कर रहे हैं। और मैं आप लोगों का भी सहयोग चाहूँगा, कृपया आप इसको इतना हाईलाइट। जैसे आप लोग आज धरने में बैठे भी ऐसे ऑफिस में, क्या पूरी मांगे हैं आपकी? सर, हम लोगों की यही मांगे हैं कि हमको इस जनवरी माह का जो वेतन है उसके लिए लिखित में हमें आदेश, हमें पता लगे कि सर ने लिखित में आदेश दिया है। हमारी बात तक सुनने वाला यहाँ कोई नहीं। हम लोग 4-5 बार इकट्ठे हो चुके हैं, अपनी बात रख चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस आश्वासन नहीं मिला है। और हम लोग अकेले विद्यालय संचालित कर रहे हैं, MDM भी संचालित कर रहे हैं, निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को अभी तक किसी भी तरह का कोई भी ठोस आश्वासन उच्चाधिकारियों से नहीं मिला है। किस किस लोगों को ज्ञापन दे चुका है? DM साहब को, या किस DM सर को भी दे चुके हैं और BSA सर को भी। BSA साहब को भी दे चुके हैं। उन्होंने कुछ कहा था? जी सर, उन्होंने पहले कहा था कि आपका दिसंबर या जनवरी माह का वेतन लगा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी लिखित आदेश नहीं आया। अच्छा, जैसे वेतन नहीं मिलता है आप लोगों को, तो उसके आगे क्या कदम उठाएंगे? सर, हम लोग अपनी मांग जारी रखेंगे और इसी प्रकार संगठित होकर अपनी मांग के लिए उनसे कहेंगे कि हमारा जल्दी से जल्दी जनवरी माह का वेतन निर्गत हो। इसमें तो बच्चों की प्रभावित हो रही होगी, पढ़ाई भी प्रभावित हो रही होगी। वो हम लोग अभी छुट्टी और अपने अवकाश लेकर आएंगे जब भी आएंगे, और अभी भी हम लोग अवकाश के दिन ही यहाँ पर अपनी मांग, और उसके बाद भी हम लोग विद्यालय में अपना कर्तव्य करने के बाद ही यहाँ पर अपनी मांग रखेंगे।